साल 1576, 18 जून, ये तारीख भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। इस दिन राजस्थान की धरती पर एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने आने वाले समय के लिए कई कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया। राजस्थान की धरती, युद्ध का शोर, चारों ओर धूल और धुआं, तलवारों की टकराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट। यह था हल्दी घाटी का युद्ध जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। एक तरफ मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना, अकबर जो अपने साम्राज्य को और भी विस्तृत करना चाहता था, ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति मानसिंह को इस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा। दूसरी तरफ मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप का अदम्य साहस। महाराणा प्रताप, जो अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, ने अपनी सेना को इस युद्ध के लिए तैयार किया। यह था हल्दी घाटी का युद्ध जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं का टकराव था। यह युद्ध दो राजाओं का नहीं, दो सोच का टकराव था। एक तरफ अकबर का राज फैलाने का इरादा, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का स्वाभिमान और आजादी का प्रण, जो अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। यह युद्ध तलवारों और ढालों से जरूर लड़े ढा गया था, पर सच यह है कि यह विचारधारा की एलडी ढाई थी। जहां एक तरफ महाराणा प्रताप अपनी आजादी को गंवाना नहीं चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ अकबर अपने साम्राज्य को आगे से आगे फैलाना चाहते थे। यह कहानी हमें वीरता और बलिदान के साथ साथ ही यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने आदर्शों और मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुगल बादशाह अकबर अपनी विशाल सेना और चतुराई के लिए मशहूर था। उसकी सेना में बेहतरीन योद्धा और रणनीतिकार शामिल थे जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। अकबर का सपना था कि वह पूरे भारत पर राज करे और इसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दे। इसके लिए उसने कई युद्ध लड़े और कई राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उसकी विजय यात्राओं ने उसे एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया था। उसने कई राजपूत राजाओं को हराकर अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप स्वाभिमानी और आजाद रहने वाले राजा थे। उन्होंने कभी भी किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप का मानना था कि स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान चीज है और इसके लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। उन्होंने अकबर की गुलामी कबूल नहीं की। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य और अपनी जनता की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और कभी भी हार नहीं मानी। उनके लिए अपनी मातृभूमि सबसे ऊपर थी। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने का संकल्प लिया था। उनके लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण थे। महाराणा प्रताप का मानना था कि आजादी किसी भी कीमत पर नहीं मिलती। उन्होंने अकबर की ताकत और दौलत के आगे नहीं झुके और अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध चुना। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास किया और कभी भी हार नहीं मानी। यही हल्दी घाटी के युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, दो ताकतवर राजाओं के बीच अलग अलग सोच का टकराव। यह युद्ध केवल दो राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष था। एक तरफ अकबर था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे, जो अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने की बहुत कोशिश की। उसने कई बार अपने दूत मेवाड़ भेजे ताकि किसी तरह से शांति स्थापित हो सके। अकबर का मानना था कि अगर महाराणा प्रताप मुगल सत्ता को स्वीकार कर लें, तो दोनों राज्यों के बीच शांति और समृद्धि आ सकती है। उसने अपने दूत मेवाड़ भेजे। ये दूत महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश करते रहे कि अगर वो मुगल सत्ता मान लें तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अकबर ने कई बार अपने संदेशवाहकों के माध्यम से यह संदेश भेजा कि मुगल साम्राज्य के साथ जुड़ने से मेवाड़ को कई फायदे हो सकते हैं। उसने यह भी कहा कि मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बरकरार रखा जाएगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा, लेकिन महाराणा प्रताप अपने फैसले पर अटल रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी मातृभूमि का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे।
महाराणा प्रताप ने अपने राज्य और अपनी जनता की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना और किसी भी प्रकार के समझौते को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी मातृभूमि का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने का संकल्प लिया। आखिरकार बातचीत से कुछ नहीं हुआ, दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका और युद्ध की स्थिति बन गई। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच की यह टकराव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था और युद्ध तय हो गया। हल्दीघाटी का युद्ध दोनों तरफ के हौसले और सिद्धांतों की जंग था। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह दो विचारधाराओं और सिद्धांतों की भी लड़ाई थी। हल्दीघाटी का युद्ध दोनों तरफ के हौसले और सिद्धांतों की जंग था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी ओर अकबर ने भी अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी सेना को मैदान में उतार दिया। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी विचारधाराओं और सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ी। हल्दीघाटी उदयपुर के पास एक घाटी है। मैंने इस जगह को युद्ध के लिए चुना क्योंकि यहाँ की जमीन हमारे लिए फायदेमंद थी। महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिक हल्दीघाटी पहुंच गए। दूसरी तरफ अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह के साथ एक विशाल सेना मेवाड़ भेजी। युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। दोनों सेनाओं की तैयारी, ताकत और रणनीति। मुगल सेना बहुत बड़ी थी। कहते हैं कि मानसिंह के पास लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास 20,000 के आसपास। मुगल सेना के पास तोप और बंदूकें भी थीं, जो उस समय के नए हथियार थे। लेकिन हमारे सैनिकों में बहादुरी और देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। हमारे पास वीर योद्धा थे, झालाविदा, हाकिम खान सूर, रामदास राठौर, जो अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। युद्ध का मैदान, हल्दीघाटी का भीषण युद्ध। 18 जून 1574 को हल्दीघाटी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। युद्ध शुरू होते ही दोनों तरफ से तीर और तलवारें चलने लगीं। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अदम्य साहस दिखाया। मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक भी उनके साथ था। चेतक ने अपनी फुर्ती और समझदारी से मेरी कई बार जान बचाई। कहते हैं कि एक बार जब मैं मुगल सेना से घिरा हुआ था, तो चेतक ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। चेतक की बहादुरी और स्वामी भक्ति की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। हल्दीघाटी का युद्ध कई घंटों तक चला। यह युद्ध बहुत भयानक था। अंत में मुगल सेना जीत गई, लेकिन मैंने अपनी वीरता से दिखा दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। हल्दीघाटी के बाद भी महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ते रहे। मैंने कभी हार नहीं मानी और जंगलों में रहकर भी मुगलों को चुनौती देता रहा। उन्होंने अपने लोगों को फिर से जोड़ा और मेवाड़ का गौरव वापस पाने के लिए संघर्ष करते रहे। हल्दीघाटी का युद्ध वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह युद्ध हमें सिखाता है कि हमें अपने आदर्शों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यह युद्ध आज भी हमें देशभक्ति, त्याग और साहस की प्रेरणा देता है। हल्दीघाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।